हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माई चैनल प्रज्ञा बी एन एम इंग्लिश लिटरेचर. सो गाइज इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द सिलेबस ऑफ यू कैन से बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स इन इंग्लिश बीएसी ओडिशा स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी संबलपुर उड़ीसा. उड़ीसा यूनिवर्सिटी का हम स्टेट यूनिवर्सिटी के बी ए ऑनर्स का सिलेबस को अंडरस्टैंड करेंगे. सो अगर आप उड़ीसा स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप इस यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, बी ए इंग्लिश करना चाहते हैं, वीडियो आज की काफ़ी इंफॉर्मेटिव है आपके लिए. आपको यहाँ पे आइडिया लग जाएगी कि क्या क्या सिलेबस है बी ए इंग्लिश ऑनर्स में, आपको क्या क्या स्टडी करने होते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्ट टुडेज वीडियो. सो गाइज दिस इज़ द सिलेबस, यू कैन सी हियर ऑन स्क्रीन. बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स इन इंग्लिश उड़ीसा स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी, यू कैन सी हियर. एंड ये है आपका सिलेबस सेमेस्टर वाइज, फ्रॉम सेमेस्टर वन टू सेमेस्टर सिक्स. ओके यू कैन सी हियर प्रॉपरली. सो इन दिस सेमेस्टर वन, सेमेस्टर वन में आपको क्या क्या स्टडी करनी है. सो फर्स्ट वन आपका है इन्वायरमेंटल स्टडीज, एंड नेक्स्ट ब्रिटिश पोइट्री एंड ड्रामा 14th to 17th centuries, एंड नेक्स्ट इज ब्रिटिश पोइट्री एंड ड्रामा 17th and 18th century, एंड एकेडमिक राइटिंग एंड कंपोजिशन. तो ये आपके 4-5 पेपर्स दिए गए हैं सेमेस्टर वन में. फर्स्ट है आपका इन्वायरमेंटल स्टडीज़, जो कि सभी के लिए कॉमन होता है, इन्वायरमेंट से आपको स्टडी करनी है, बाकी आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं. ओके एंड ये आपके क्रेडिट्स दिए गए हैं, ये आपके कोर्स कोड दिए गए हैं. एंड नेक्स्ट सेमेस्टर टू, ये आपका सेमेस्टर टू है. सेमेस्टर टू में आपको स्टडी करनी है MIL इंग्लिश, ब्रिटिश प्रोज 18th century, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, जेंडर एंड ह्यूमन राइट्स. एंड इधर आपके क्रेडिट्स दिए गए हैं, ये आपका कोर्स कोड है टोटल. लेट्स सी सेमेस्टर थ्री, सेमेस्टर थ्री में आपको क्या स्टडी करना है. सो इन सेमेस्टर थ्री यू हैव टू स्टडी, फर्स्ट पेपर इज ब्रिटिश रोमांटिक लिटरेचर, ब्रिटिश लिटरेचर 19th century, ब्रिटिश लिटरेचर अर्ली 20th century, नेचर कल्चर इंडिया एंड इंग्लिश कम्युनिकेशन. ये सभी आपके पेपर हैं सेमेस्टर थ्री में आपको स्टडी करने हैं. ये आपके इधर क्रेडिट्स दिए गए हैं एंड ये आपका कोर्स कोड दिया गया है. ओके एंड सेमेस्टर फोर में क्या स्टडी करना है आपको. सेमेस्टर फोर में आपको स्टडी करना होता है अमेरिकन लिटरेचर फर्स्ट पेपर, यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर, वीमेंस राइटिंग, लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स, डाटा एनालिसिस एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन. तो ये सभी कुछ है आपका सेमेस्टर फोर में, क्रेडिट्स हैं इधर एंड ये कोर्स कोड आपके दिए गए हैं. एंड सेमेस्टर फाइव में क्या आपको स्टडी करना है. सेमेस्टर फाइव में मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा, इंडियन क्लासिकल लिटरेचर, लिटरेरी थियोरी एंड वर्ल्ड लिटरेचर. एंड इधर क्रेडिट्स दिए गए हैं एंड ये आपका कोर्स कोड दिया गया है. ओके एंड सेमेस्टर सिक्स में आपको क्या स्टडी करना है. सेमेस्टर सिक्स में आपका फर्स्ट पेपर है पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर, पॉपुलर लिटरेचर, पार्टीशन लिटरेचर, राइटिंग फॉर मास मीडिया, डिसर्टेशन. ये सब कुछ आपका पेपर है सेमेस्टर सिक्स में, इधर क्रेडिट्स दिए गए हैं एंड ये आपका कोर्स कोड है. ओके ये हो गया आपका सेमेस्टर सिक्स. तो सेमेस्टर फर्स्ट से लेकर के सेमेस्टर सिक्स तक आपके दिए गए हैं बी ए ऑनर्स इंग्लिश में. ओके एंड लेट्स सी कुछ और भी इसमें है. तो ये आपका डिटेल्स सब दिया गया है, ब्रिटिश पोइट्री एंड ड्रामा 14th to 17th century, इसमें आपको एज ऑफ चौसर, रेनेसा, क्रिस्टोफर मार्लो, एलिजाबेथन ड्रामा, ये सभी यूनिट्स दिए गए हैं आपके फर्स्ट पेपर में. ओके एंड लेट्स सी मोर, इधर कुछ डिटेल्स दी गई हैं आप देख सकते हैं. एंड ये आपका कंटेंट्स दिया गया है, क्या क्या आपको स्टडी करना है. लाइक अभी मैंने आपको बताया वो तो आपने देख लिया, एज ऑफ चौसर, रेनेसा, क्रिस्टोफर मार्लो, एलिजाबेथन ड्रामा वगैरह फर्स्ट पेपर में, ब्रिटिश पोइट्री एंड ड्रामा 14th to 17th century में. एंड ये आपका देखिए चौसर्स की पोइट्री में क्या आपको स्टडी करना है. चौसर की पोइट्री में आपका चौसर्स की पोइट्री, एक जनरल सर्वे, जनरल प्रोडक्ट टू द कंटरबरी टेल्स, फॉरनर्स टेल एंड चौसर स्टाइल एंड डिक्शन. तो ये सभी टॉपिक्स आपको यूनिट टू में स्टडी करने हैं नेक्स्ट यूनिट में, चौसर की पोइट्री में. ओके एंड द नेक्स्ट वन इज़ पोएम्स राइटिंग ड्यूरिंग 14th to 17th century, इसमें आपका पोएम जो लगा हुआ है एमरेटी दैट टाइम ऑफ द ईयर, सॉन्ग टू सीलिया, द सन राइजिंग, ये सब कुछ लगा है. एंड लेट्स सी नेक्स्ट आपका देखिए शेक्सपियर का ड्रामा मैकबेथ लगा हुआ है, इसे आपको स्टडी करना है, शेक्सपियर का मैकबेथ. ओके एंड ये देखिए आपका ब्रिटिश पोइट्री एंड ड्रामा से 14th to 17th century का, ये आपका हिस्टोरिकल रिव्यू दिया हुआ है, इसमें आपको हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें रीड करनी है, स्टडी करनी है. यू कैन सी ये आपका हिस्टोरिकल रिव्यू है, तो आप देख सकते हैं इसमें कि आपका द एज ऑफ चौसर में और भी सारे इसमें डिटेल्स दी गई हैं.
आप इसको देख लीजिए, इसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दिया गया है, तो इधर बहुत ज़्यादा आपका नेसेसरी चीज़ें नहीं है, अननेसेसरी चीज़ें हैं। तो आप जब स्टडी करेंगे तो आप इसको डिटेल्स में स्टडी कर लीजिएगा। बाकी मैंने आपको मेन मेन आपको चीज़ें इंट्रोड्यूस करा दी हैं कि आपको स्टडी करने होते हैं सेमेस्टर फर्स्ट से लेकर के सेमेस्टर सिक्स तक के। ओके, यू कैन से हियर सेमेस्टर फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स। ओके, सो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हमने सिलेबस को अंडरस्टैंड कर लिया बी इंग्लिश के ऑनर्स के। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं विद अनदर न्यू टॉपिक। टिल देन कीप रीडिंग कीप स्टडिंग एंड कीप वॉचिंग माई चैनल एंड यस सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर अदर क्लासमेट्स ऑल्सो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप रीडिंग कीप स्टडिंग एंड कीप वॉचिंग माई चैनल। गॉड ब्लेस यू।